इधर भी उन्होंने भी सामने भी लगा रखा है, आप देखेंगे तो इधर भी लगा रखा है और उधर बनाने, उधर बनानी वाला आया हुआ है। अच्छा, रोटी मिलेगा बेटा जी, उधर बिरयानी वाला आया हुआ है। अच्छा, तो आप इस हिसाब से थोड़ा काम कम है। और मनोज भाई कैसे हो? ठीक है सर। ठीक हो? हाँ जी। कैसा चल रहा काम? हम सब बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रहा है। यूट्यूबर की वजह से बहुत बढ़िया चल रहा है। ये साक्षात दर्शन है मेरे। अब निकल रहा है खाना वाना? सही खाना निकल जाता है। आप लोगों की वजह से बहुत है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत ज्यादा हो गई है, कॉम्पिटिशन हो गया है। ठीक है सर, कोई बात नहीं। क्या हो गया? आस पास में जैसे कईयों ने लगा लिया, कई लोग आ गए स्टॉल वाले भी, तो उस चक्कर में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता, वरना मैं इस टाइम तक मैं रुकता नहीं था। अच्छा, आप लोगों की वजह से। अच्छा अच्छा, मैं जल्दी निकल जाता था। अच्छा, तो मतलब भी काम थोड़ा हल्का चल रहा है? काम हल्का कह लो, या फिर जो है ना थोड़ा सा वेट करना पड़ जाता है कस्टमर का, वो इस वजह से पहले नहीं था। तो वायरल हो गए, आपको कैसा लग रहा है? सर बस मेहरबानी है आप लोगों की, और जिन लोगों ने मेरे को पसंद किया है, मैं उन लोगों का तहे दिल से वो करता हूँ, क्या नाम कहते हैं, वो मुबारकबाद देता हूँ उन लोगों को। अच्छा। जिन्होंने मेरे को पसंद किया, मैं तो इस लायक नहीं था सर। अच्छा, मैं तो उज्जड़ आदमी था सर। इससे पहले आप क्या करते थे? सर मेरा इससे पहले टेक्निकल काम था, मोटर वाइंडिंग का काम था, हाउस वायरिंग का काम था, बड़े बड़े काम लेता था, सरकारी काम थे मेरे पास में। तो जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, कई कंपनियों का काम था, कंपनियों को तो मेरे पर डायरेक्ट था, और इन ग्राफ साई एक्सपोर्ट कई कई लिमिटेड फैक्ट्रियों का था, कुछ जेल से भी मोटर आती थी, वो किसी के थ्रू आती थी सर। अच्छा। हाँ, एमसीडी का काम था सर। ओके, फिर ये कब से लगा रहे हो आप सर? बस ये तो खानदानी काम था, वैसे 2018 में आया था, या कुछ टाइम ऐसे इंतजार करके 4 बजे भाग जाता था, 4 का बिके, 10 का बिके, 5 का बिके, वो मैं दे दा के चला जाता था। फिर मैं नाइट में लगाने लगा, नाइट में 10-11 बजे के बाद से लेके जो है 1:30 बजे तक का काम होता था। वहाँ पे ऑटो स्टैंड है हीरोज टावर में, एक वो भैया है हमारे जो आपके भोखा शेर वाले नीरज भाई, वो कभी 1-2 बार वहाँ पे भी आए, उन्होंने क्या नाम कहते जो है देखा कि भाई इतनी ठंड में आप मेहनत कर रहे हो, आपका मैं वीडियो बनाऊंगा। अच्छा। अब चलो जी, जो भी था वक्त को मंजूर था, वो 2018 से वहाँ पे था, रात में लगाता था, क्योंकि उसकी वजह थी मेरी मम्मी, 1 साल मैंने 1.5 साल ये क्लोज कर दिया था, क्योंकि पत्थर लग रहा था। अच्छा अच्छा, ये जो लगी फ्लोरिंग लगी है जो। हाँ जी, ये मिट्टी में खड़ा होकर कोई खाएगा नहीं। अच्छा। तो कुछ ये इस वजह से भी चल रहा था। फिर मेरी मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब थी, तो मैं दिन में वो काम घर में देख लेता था, जो वाइंडिंग का काम धीरे धीरे इक्का दुक्का कोई दे जाता था तो उसका करता था। वाइंडिंग का काम तो मैंने 2016 में ही बंद कर चुका था नोटबंदी के बाद। तो आपको कैसे आइडिया है कि मतलब और भी चीज़ें हैं? वैसे तो बेचने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कोई बिरयानी बेचता है। सर ये काम जानते थे। अच्छा। इसमें हम लहसुन प्याज वगैरह कुछ नहीं डालते। अच्छा। तो घर में कोई फंक्शन वगैरह तो होता मतलब है। ये सारा खाना जो भी है बिना लहसुन प्याज का? हाँ जी, बैंगन का भरता भी लाता हूँ, तो अभी भैया ने देखा था उस दिन, एक आए थे आपके एक हैं भैया, क्या नाम है उनका, नीरज भाई है भूखा शेर के नाम से चैनल है, तो वो बैंगन का भरता लेके आया उनके चैनल में, या जो भी है उस टाइम लाया था, आज लाने वाला था, घिया लेट हो गया, इधर टाइम पूरा हो गया था। आज तो शाही पनीर लाए थे। हाँ सर, शाही पनीर का दिन है, आप हफ्ते में 2 बार कर देंगे। आपने बनाया? हाँ सर, ये मैंने बनाया हुआ है। अच्छा। यही है। नहीं वो तो हमने टेस्ट हाँ कर लिया, इसके अंदर कोई मिलावट नहीं है सर, बस थोड़ा सा ही बचा ही आप लोगों की वजह से। अच्छा। हाँ जी, थोड़ा छोटा पनीर का पीस इसलिए डाल देते हैं, मतलब कि पड़ता है निकल गया। हाँ जी सर। ओके। इसके अंदर मगज डाले हैं, जो जैसे शादी ब्याह में बनता है, मगज डाले हैं, मूंगफली के दाने डाले हैं, और क्या नाम कहते हैं खरबूजे के बीज होते हैं वो डाले हैं सर, बस यही। काजू नहीं डाला, बड़ी मेहनत लगती होगी जो लोग बाग काजू डाल दे, और नहीं मेहनत कुछ नहीं है सर, पहले बड़ी मेहनत करते थे, मोटर वाना डालते काटते थे। सुबह कितने बजे आ जाते हो सर यहाँ पे? तो आप 2-3 दिन से लेट हो रहा हूँ, आज जैसे कोई आ गया था कोई मिलने वाला, तो उस चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया था, यहाँ 12:30 बजे पहुँचा, वैसे 11:30-12 बजे तक मैं आ जाता हूँ। तो फिर कब से स्टार्ट? तो आपको बड़ी सुबह उठना पड़ता होगा बनाने के लिए सर? वैसे सुबह स्टार्टिंग तो अगर कंटिन्यू अगर छोक वोक लगाते, जो उबालने वाला टाइम है, जैसे पानी फ्रेश भरते हैं तो 4 बजे भरते हैं। 4 बजे? हाँ, उठ जाता हूँ 4:15-4 बजे पानी आता है, तो वो भर के फ्रेश पानी भर के, उसके बावजूद जो है ना जो उबालने वाला है, जैसे आज दाल उबालने वाला आधे घंटे में उबल गई, या जो भी छोले वगैरह रखते हैं तो उबालने वाले रख देते हैं, उसके बावजूद तो सर फिर 5:30-6 बजे से चालू होता है सर। अच्छा, 6:30 से चालू होता है। डेली जो अपना खाना है वो चेंज रहता है? हाँ सर, कल क्या था, कल छोले और दाल थे, दाल तो कंपल्सरी है सर, वो कर दी 3 सब्जी मैंने कर दी। अब देखिए अचार भी ले आया, ये अचार भी मेरा पीजी में जाता है। अच्छा। देखिए सर, दाल तो मेरे कंपल्सरी कर दी, ये दाल मैंने बनाई हुई है सर। काफी गाड़ी लगी। हाँ जी, लोगों ने खाया, आपने भी खाया, लोग हाँ लोगों ने ये पसंद किया कि ये मैडम नमस्ते, मैडम बहुत टाइम बाद आए मैडम आप, तो लोगों ने पसंद किया, बोले कि आपके शाही पनीर की तरीके ही दाल अच्छी बन रही है। तो ये रायता है सर, ये रायता है,
ये रायते में मैं ज्यादा जो आज बर्फ ज्यादा डाल दिया इसीलिए थोड़ा पतला हो गया, लेकिन यही बचा यहाँ तक लेके आया। नहीं वैसे भी टेस्टी थी। हाँ जी, इसके अंदर मैं सर मैं दही डालता हूँ जो मधुसुगंध की आती है, काली मिर्च, जीरा और अजवाइन, ये है जी। और उसके बावजूद जो है बूंदी डाल देते हैं। बूंदी भी नहीं कि आप देख रहे होंगे सर इसमें बूंदी मैंने बहुत ज़्यादा डाली है, नहीं बूंदी भी कम लिमिट की डालता हूँ, बहुत ना के बराबर की, इस तरीके जो है आपका कस्टमर को नुकसान ना हो। अभी मैंने 3 सब्जी कर दी, आज टाइम नहीं था तो 2 हो गई। क्या प्राइस होता है वैसे? सर 40 रुपये का 4 रोटी रहता है। अच्छा, जो स्टार्टिंग से था उसमें क्या क्या आता है? सर 4 रोटी रहता है, 2 सब्जी रहता है सर। अच्छा, हाँ जी। और शाम तक कितने बजे तक रहते हो? सर ये 4:30-5 बजे तक रहता हूँ सर, थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ गया तो। और एड्रेस क्या है अपना? सर ये एड्रेस यूनियन बैंक है, गोल चक्कर नहीं, वो बन रहा है। और आप जो है ना BSL के पास में होंगे ना तो वो है, ये शोरूम है कपड़ा मार्केट के, बड़ी बड़ी ये शोरूम है। अच्छा जी। और ये 90 नंबर की मार्केट है, मार सर्वोरिजन बिल्डिंग है सर। अच्छा, कई बार मैं मिलूँ तो भैया बता देंगे मेरे नंबर इनके पास में होगा, नहीं तो अनिल जी है वो टेम्पर वाले। अच्छा, सामने पीला बोर्ड लगा हुआ क्या है? हाँ जी, भैया बता देते हैं। भैया नहीं होते तो कई बार बच्चे बैठे होते हैं, इनको नहीं पता होता है, क्योंकि भैया कहीं गए होते हैं कोई सामान लेने, या भाभी कहीं गई होती है तो बच्चे कोई बैठ जाता, तो इस चक्कर में जो है ना वहाँ से जरूर मिल जाएगा, नहीं तो भैया से मिल जाएगा इनसे। चलो थैंक यू भैया। ओके सर, और बताइए बस। तो दोस्तों आज हम आए नेहरू प्लेस, और नेहरू प्लेस आए और मनोज भाई से ना मिले तो ऐसा हो सकता है, और हमने लगवाई है इनसे एक प्लेट, और आज हमें किस्मत से मिल गए हैं शाही पनीर, तो आज हमारी किस्मत खुल गई, देख सकते हैं आप। बिल्कुल दिखा दो पीस, ये देख सकते हैं आप पनीर के पीस भाई, किस्मत वालों को मिलता है मनोज भाई का पनीर। बिल्कुल आज हमें किस्मत से मिली है, किस्मत खुल गई, आज हमें पनीर की सब पनीर शाही पनीर मिल गई हमें यहाँ पे। तो हम करते हैं हम एक बार टेस्ट चेक। गरम है भाई, घर पे मैं नहीं बनाता, मेरे पास में जो लड़का है उसने रोटी कही था, सारी बातें मत पूछा करो भाई। बहुत अच्छा टेस्ट है। आइए और खाइए आप यहाँ पे, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और लाइक्स करिए। थैंक यू।